हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई मीता बिश्नोई। आज हम लोग बनाएंगे कॉम्पोस्ट टी, और उसके लिए मैंने लिया है एक खाली बकेट लिया है, 2 लीटर के करीब पानी लिया है, 250 ग्राम्स के करीब वर्मी कंपोस्ट लिया है, और एक जो छोटा सा पीस दिख रहा है आपको, ये गुड़ है, जैगरी। और ये मैं पैकेट रखा है दिखाने के लिए कि ये वर्मी कंपोस्ट का पैकेट मिल जाता है। और एक ये स्टिक चाहिए होगी आपको हिलाने के लिए, और एक ये लिड चाहिए होगा कवर करने के लिए। तो अब इसको, ये बहुत सिंपल है, बहुत ठंडी खाद है, बहुत बढ़िया है समर्स के लिए ये, और लाइट भी है और फुली ऑर्गेनिक है। ये बहुत ही हेल्पफुल होती है प्लांट्स के लिए समर्स में, क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप फर्टिलाइजर डालते नहीं है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। और जो प्लांट्स समर्स में ग्रो करते हैं, उनका ग्रोइंग पीरियड होता है समर्स में, उनके लिए ये बहुत अच्छी खाद है। समर्स में फ्लावरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अब ये मैंने एक पीस गुड़ डाला, और ये 250 ग्राम्स मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली है। अब इसमें मैंने 2 लीटर पानी और डाल दिया, तो ये 4 से 5 लीटर पानी आप डाल सकते हैं, और उसके बाद आप इसको रेगुलरली थोड़ा इसको स्टर कर देंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, दिन में 2-3 बार इसको ढक्कन ढक के रखेंगे, और इसको ढक्कन से हटा के, लिड को हटा के इसको 2-4 बार हिला देंगे, और स्टिक इसके ऊपर ही रख देंगे ऐसे करके। ये पानी को स्टर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एयर इनकॉर्पोरेट होगी। एयर इनकॉर्पोरेट करने का वजह होती है कि इसमें माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे, जो इसको फर्मेंट करेंगे, जो इसको डीकम्पोज करेंगे, जो इसके न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करेंगे प्लांट्स के लिए, जो वो चाहते हैं जिस फॉर्म में, अवेलेबल फॉर्म में इनको ले आएंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उनको एनहेंस करने के लिए हम लोग ने गुड़ भी डाला है, और इसको एयर भी देंगे थोड़ी सी, तो ऑक्सीजन मिलेगी, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, बहुत जल्दी फर्मेंट होगा, बहुत जल्दी आपकी कॉम्पोस्ट टी तैयार होगी। तो इसको गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसको 2 दिन में ये तैयार हो जाएगा एकदम। तो अभी हम लोग ने थोड़ा सा हिला दिया इसको, इसको ढक के शेड में रख देंगे, और मिलते हैं 2 दिन बाद। मैं पीछे से इसको रेगुलरली स्टर करती रहूँगी। ये 15-16 आवर्स बाद है, ये थोड़ा फ्रॉथी हो जाता है, बस इसको थोड़ा हिलाते रहना है, ताकि थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि थोड़ी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए। बस एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ये अब इसको 40 घंटे या 40 आवर्स हो चुके हैं, और ये 24 आवर्स के बाद एकदम तैयार हो सकता है, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी वार्म सीजन रहता है। और इसको मैं घुमाती रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब इसमें अच्छे से हम लोग को जो बैक्टीरिया चाहिए, जो ऑक्सीजन लेके ग्रोथ करते हैं अपनी, ताकि न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में कर दें प्लांट्स के लिए, इसमें ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम सारी चीज़ें होती हैं, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। मगर जब इसको हम लोग ऐसे फर्मेंट करते हैं थोड़ी सी जैगरी या गुड़ के साथ, तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे अवेलेबल फॉर्म में हो जाते हैं, ताकि प्लांट्स ईजिली इसको न्यूट्रिएंट्स को रूट्स एब्जॉर्ब कर सके। और ये आज का मेथड नहीं है, ये बहुत पुराना मेथड है, ये ऑर्गेनिक है टोटली, और ये नुकसान नहीं करता। ये एक ठंडी खाद मानी जाती है जो आप समर्स में यूज़ कर सकते हैं। जो सरसों खली होती है वो थोड़ी गर्म होती है वर्मी कंपोस्ट, और इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं काउडंग मैन्योर भी। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बहुत पुरानी और वेल कंपोस्टेड होनी चाहिए, नहीं तो उसमें फंगल अटैक हो जाता है। अगर हम लोग ने फ्रेश गोबर लिया या काउडंग मैन्योर लिया जो कि कंपोस्टेड नहीं है, तब तो इसलिए इसको अच्छे से फर्मेंट करके अब हम लोग ने तैयार कर लिया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 10 टाइम्स हम लोग को डाइल्यूट करना है, और कोई एकदम ऑर्गेनिक है ये
तो एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको थोड़ा हम लोग छान लेते हैं। उसके लिए मैंने पुराना एक कपड़ा लिया है और इससे हम लोग इसको डालेंगे लिक्विड को, और जो इसके बाद लिक्विड बचेगा नीचे वो भी हम लोग, जो वर्मी कंपोस्ट घुलेगा नहीं नीचे है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, खाद में किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा ले रही हूँ और इसको जल्दी ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा बना के नहीं रख सकते, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये हम लोग ने, अब ये हाफ से भी थोड़ा कम है, इतना ग्लास लिया, ये करीब होगा 100 ml, 100 ml को करीब आप 1 लीटर या 1.5 लीटर में डाइल्यूट कर सकते हैं। ये 10 times ऑलमोस्ट डाइल्यूट हो चुका है, 10 से 20 times आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। और डाइल्यूट करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। ये देखिए, ये वाली हैंगिंग बास्केट मैंने ली है, इसमें भी थोड़ा सा हम लोग डाल सकते हैं, चारों तरफ डाइल्यूटेड है ये एकदम। अब ऐसे करके आप इसमें सारे प्लांट्स में अपने धीरे धीरे करके डाल सकते हैं। अब इसी ग्लास से हम लोग दोबारा मेजरमेंट लेंगे। ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है जो हम लोग ने, लिक्विड है जो हम लोग ने अभी छान के रखा है, इसको हम लोग एक मग में डालते हैं थोड़ा सा, और इसी ग्लास से हम लोग मेजरमेंट लेंगे। हम लोग अब इसमें लेंगे 50 ml, ये हम लोग ने लिया है खाली 50 ml। 50 ml को 500 ml की बोतल में, आधे लीटर की बोतल में हम लोग इसको डाल लेंगे। अब ये हम लोग का एक लिक्विड फोलियर स्प्रे तैयार हो गया है। फोलियर स्प्रे क्या होता है, जो हम लोग फोलिएज में डालते हैं, जो हम लोग पत्ते से इसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं। आइए, ये मनी प्लांट के लिए फोलियर स्प्रे बहुत अच्छा होता है, ये फोलियर स्प्रे बन गया। फोलियर स्प्रे अब हम हर प्लांट में कर सकते हैं, अभी मनी प्लांट में देखा, फोलियर्स में भी कर सकते हैं, सब जितने भी प्लांट्स हैं सब लाइक करते हैं, और ये टोटली ऑर्गेनिक है। ये आप लिक्विड स्प्रे आप हफ्ते में एक बार आराम से कर सकते हैं हर प्लांट में, और जो सॉइल में देना है वो आप 1 in 20 days देते रहे, आपको कोई और खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस भी प्लांट का ग्रोइंग सीजन है, जैसे ये इसका भी ग्रोइंग सीजन है, रैंथमम है, इसमें आप आराम से डाल सकते हैं रूट्स के रिम पे, पॉट के रिम पे। एक और ग्रोइंग सीजन इसका है, इसमें भी आप वंस अ मंथ डाल सकते हैं। आई होप आपको ये लिक्विड वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट टी बनाने का वीडियो अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।